तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा जो अंचल डाटा एंट्री के ऑपरेटर का जो वैकेंसी है, ये जो टोटल 1068 पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो जानेंगे कैसे होगी बहाली, हर पंचायत में दो दो ऑपरेटर की होगी बहाली। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल विस्तार के साथ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया जिससे आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करें, ये बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा है, यानी कि बेल्ट्रॉन बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी 2022 में जो टोटल आपको 1068 पदों पे बहाली किया जाएगा, यानी कि 1068 पदों पर बहाली किया जाएगा। ये पूरे बिहार में, यानी कि पूरे बिहार में 534 प्रखंड है, यानी कि 534 अंचल है, वहाँ बहाली किया जाएगा। हर पंचायत से आपको एक पंचायत में दो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी, जिसमें एज की लिमिट रखा गया है 18 से लेकर 35 साल तक एज का कैंडिडेट हो सकता है। और क्वालिफिकेशन की बात करके एजुकेशन शिक्षा कितनी है, तो 10+2 एंड ग्रेजुएशन, यानी कि आप इंटर और या ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया, जबकि SC ST और फीमेल पर्सन के लिए 0 रुपये रखा है, यानी कि 0 रुपये रखा गया, उसकी कोई फ़ी नहीं है। अब बात करें इसकी, सबसे पहले हम लोग बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपकी एग्ज़ाम रिटेन यानी कि CBT, फिर टाइपिंग आपकी, फिर इंटरव्यू, इतनी तीन स्टेप में एग्ज़ाम है। सबसे पहले बात करें कि बहाली कैसे होने, तो ये पेपर कटिंग आप देख सकते हैं, इसमें 534 अंचलों में जो 1068 पदों पर बहाली होगी, बहाली उसमें हर पंचायत में आपको प्रत्येक अंचल में आपको दो दो डाटा ऑपरेटर या बेल्ट्रॉन के जरिए बहाली किया जाएगा, निर्देश दिया, यानी कि बेल्ट्रॉन का जो भी कैंडिडेट बेल्ट्रॉन से परीक्षा पास कर लिया गया उसी का टाइपिंग लिया जाएगा, इसके बाद वो इंटरव्यू लिएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि हर अंचल से दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन के जरिए किया जाएगा। तो बेल्ट्रॉन के जरिए इसमें किया जाएगा, उसका रिटर्न एग्जाम हो चुकी है, उसी के लिए आप इसके बाद उसका टाइपिंग किया जाएगा, इसके बाद आप टाइपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टाइपिंग होने के बाद इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें अपने देखे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट आपको लगे तो कमेंट सेक्शन ज़रूर और कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या बेल्ट्रॉन के जरिए कोई भी अपडेट आती है तो आपको सूचित किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।